हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, आज का कुछ सीन ऐसा है, मुझे चाहिए अपने घर के लिए कुछ फर्नीचर्स, तो मैं जा रहा हूँ फर्नीचर देखने। तो मेरे शहर में तो कोई इतना बढ़िया फर्नीचर मिल नहीं रहा है, तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा बाहर। तो मैं जा रहा हूँ सहारनपुर में फर्नीचर देखने के लिए। मेन सहारनपुर में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि सहारनपुर में बहुत बढ़िया फर्नीचर मिलता है और आसपास यहाँ पर ऐसा फर्नीचर नहीं मिलता। मेरे शहर में तो ऐसा फर्नीचर नहीं मिलता। फर्नीचर में क्या, बेड चाहिए मुझे, सोफ़ा चाहिए और एक टेबल चाहिए। बेड तो चाहिए मुझे अपने रूम के लिए, सोफ़ा वगैरह चाहिए मुझे अपने ड्राइंग रूम के लिए और एक टेबल चाहिए मुझे अपने रूम के लिए जो मुझे देखनी है। अभी देखने जाऊँगा, अभी फ़िलहाल देखते हैं, जैसा भी वहाँ पे होगा वैसा करेंगे। अगर नहीं हुआ वहाँ पे तो देखते हैं फिर, मुझे शायद दिल्ली जाना है तो दिल्ली में देख लूँगा, और अगर मुझे वहाँ पे मिल जाता है तो फिलहाल अभी फ़ोटो वोटो ले लूँगा। क्योंकि जो हमारे फर्नीचर वगैरह बनाता है घर का, उसने मुझे बोला है कि भैया आप एक काम करना, आप फ़ोटोज़ ले लेना, फ़ोटो खींच के आप मुझे दिखा देना। सो गाइस, आपने कल की वीडियो देखी तो कल की वीडियो में आपने देखा होगा कितना खतरनाक लिज़र्ड मॉनिटर था। और सीरियसली बताऊँ, उसके चक्कर में ना 4-5 दिन से ना पूरे का पूरा कॉलोनी में ना इतना ज़्यादा, मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा डर रहे थे। और जहरीला वो बहुत है, मैंने ये सुना है कि उसके अंदर बहुत जहर होता है। तो उसे खैर कल वो पकड़ा गया, और अब मैं ये सोच रहा हूँ वो बच्चा था, कहीं हो सकता है उसकी फैमिली भी हो सकती है, उसके भाई बहन या उसके माँ बाप भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो अभी कुछ नहीं पता क्योंकि बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में एनिमल्स वगैरह निकलते रहते हैं। सो गाइस, मौसम ना इतना बढ़िया हो गया, अभी कुछ देर पहले धूप निकली हुई थी लेकिन अब हो गया है मौसम इतना बढ़िया, हवा चल रही है बढ़िया और आसमान हो गया पूरा का पूरा ब्लैक। और कसम से मैं सोच रहा था धूप में घूमना पड़ेगा लेकिन नहीं, चलो खैर अच्छा हो गया मौसम, ऊपर वाला मेहरबान है। तो अभी चलते हैं हम फिलहाल अपने शॉपिंग के लिए। शॉपिंग में क्या करना है आप लोगों को मैंने बताई दिया, तो इस वीडियो को हम यहीं पे शुरू करते हैं। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त विकेट सनी। शिट यार, जल्दबाजी में ना कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम नाश्ता वाश्ता करना भूल जाते हैं, और आज मैं अपना नाश्ता करना भूल गया। नाश्ता मींस मैं अपना एग वगैरह खाना भूल गया, जो मेरे डेली के रूटीन में एग चलते हैं, तो आज एग मेरे रखे रह गए और वो ख़राब हो जाएंगे। अब चलो खैर कोई बात नहीं। गाइस, आजकल चल रही है मेहनत बहुत ज़्यादा, हर चीज़ में मेहनत बहुत ज़्यादा चल रही है और व्लॉग्स में भी मेहनत चल रही है बहुत ज़्यादा। और आप लोगों से प्लीज़ गुजारिश है इस चीज़ की कि यार प्लीज़ आप लोग शेयर लाइक सब्सक्राइब करा करो यार, गैस देखा करो यार प्लीज वीडियो। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ आप लोगों से, और क्या कहूँ मैं आप लोगों से, क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा कर रहा हूँ। रुड़की से जाने वाली सहारनपुर की जो ये रोड है ना, ये मुझे इतनी बढ़िया लगती है। इसके जो दोनों साइड में देखो पेड़ कितने बढ़िया लगते हैं, और ये टेम्पो ने आके सारा का सारा लुक खराब कर दिया रोड का। सो फाइनली गाइज, मैं आ चुका हूँ फिलहाल सहारनपुर में, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम सहारनपुर में एक चीज की होती है, गाड़ी पार्किंग करने की। तो अभी मैं फिलहाल जगह ढूंढ रहा हूँ गाड़ी पार्क करने की। गोलू को भी कॉल की है, गोलू से मैंने पूछा अगर तेरे पास स्कूटी है तो मुझे स्कूटी दे दे, मैं अपना स्कूटी पे काम निपटा लूंगा। क्योंकि सहारनपुर में ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो मार्केट में भीड़ रहती है बहुत ही ज़्यादा, तो इसलिए मैं मार्केट में गाड़ी ले जाना नहीं चाह रहा क्योंकि यार फंस जाऊँगा अगर मार्केट में गाड़ी लेके गया। तो अभी फिलहाल मैं कर रहा हूँ हिमांशु भाई का वेट, हिमांशु भाई आ जाएं। हिमांशु भाई से पूछता हूँ कि गाड़ी कहाँ खड़ी करनी चाहिए, वो बताएंगे गाड़ी कहाँ खड़ी करूँ, और उसके बाद उनसे स्कूटी लेंगे। स्कूटी लेने के बाद फिर अपना मार्केट निकलते हैं अपना यहाँ से। फाइनली गाइज, आ चुका हूँ मैं वुडन मार्केट के अंदर, जहाँ पर इतने अच्छे अच्छे फर्नीचर्स वगैरह और इतना अच्छा काम हो रखा है ना वुड का, और एक से एक चीज़ें हैं। तो और मैं आया हूँ किस पे हूँ वो दिखा दूँ आपको, इस स्कूटी पे आया हूँ मैं, ये मैंने गोलू भाई से ली। और इस स्कूटी की सबसे बढ़िया चीज़ मुझे ये लगी कि इसमें गड्ढे बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहे, ये बात सच है, इसे चलाने में मज़ा आया। तो हिमांशु भाई मिले थे मुझे, गोलू है नहीं अभी, जाने दो पहले, हिमांशु भाई मिले थे मुझे, गोलू तो था नहीं, तो हिमांशु भाई ने स्कूटी दी है। हिमांशु भाई मुझे चला के इसे सच में मज़ा आ गया, बहुत ही लाजवाब है। तो गाइस खैर इस बात को छोड़ते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा मार्केट। अभी फिलहाल मैं वुड की मार्केट में आ गया हूँ। ये पूरी की पूरी जो मार्केट है ना, ये सामने यहाँ से लेके और पूरी वहाँ तक की, मैं इस मार्केट में पहले आया था कभी। तो गाइस ये पूरी मार्केट वुड की है, पूरी मार्केट, और सच बताऊँ तो आप लोगों को यहाँ पर सामान एक से एक है। मतलब आप जितनी जितना घूमोगे ना उतना आपका मतलब दिमाग खराब होता रहेगा सच में। फाइनली मैं आ चुका हूँ शॉप पर, और सीरियसली बताऊँ मैं आप लोगों को, इतना ज़्यादा वैरायटीज है ना यहाँ पर, मतलब मैं बता नहीं सकता आपको, और माइंड ना एकदम डिस्टर्ब हो जाता है इतनी सारी वैरायटी देख के। तो क्या क्या वैरायटी देखी इसमें, एक से एक वैरायटी है, भैया ने अभी दिखाई मुझे कार्विंग के, एक से एक सोफे, एक से एक बेड है यहाँ पर। कि भैया
एक से एक चीजें हैं। तो ये भैया हैं, भैया आपका नाम? नईम अहमद इनका नाम है। और सीरियसली गाइस, इतना अच्छा वर्क है ना, इतना अच्छा काम है ना, तो दिमाग इसी में खराब हो रहा है। अभी ये सोच रहे हैं कि क्या डिजाइन बताएं भैया को, क्या ना बताएं, क्योंकि यहाँ पर एक से एक डिजाइन, पहले ही एक से एक डिजाइन हुए हैं। तो अभी फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, अभी डिजाइन में डिसाइड कर लेता हूँ, डिसाइड करने के बाद भैया को बताता हूँ, जैसा भी कुछ है फिर मैं आप लोगों से बात करता हूँ। फिलहाल तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखो कितना आइटम है यहाँ पर, मतलब आप क्या डिसाइड करोगे इसमें से, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इतना आइटम है। तो आपको पहले ही एक आइटम अपने दिमाग में रख के आना पड़ेगा, उस हिसाब से फिर आप आके देखो तो ज़्यादा बेटर है। एक से एक फ्रेम, शीशों के फ्रेम, सोफे के फ्रेम, स्ट्रक्चर है, मतलब ये पार्टी ने फोटो दिया था और ये इसके बाद उनका बनाया था सेम। तो ये भैया ने एक से एक सोफे, और ये कलर चेंज है, ये गोल्डन में था एंटीक गोल्ड, ये सिल्वर में क्या पार्टी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इतने फोटोज वगैरह लगे हुए हैं गाइस, मतलब इनमें से हम डिसाइड क्या करें अब, हम ये सोच रहे हैं फिलहाल। और काम देखो आप, काम कितना, मतलब ये पूरा फ्रेम है, ये पूरा एक इसके अंदर मिरर लगेगा, पूरा हैंगिंग हो जाएगा ये। तो यार ये मतलब कितना बारीक काम है देखो आप इस पर। तो गाइस सहारनपुर इसीलिए फेमस नहीं है, सहारनपुर में सीरियसली आपको बताऊं तो सहारनपुर टेक्निक के मामले में और ये वुड के मामले में तो सच में फेमस है। जैसे मुरादाबाद को कहते हैं पीतल के मामले में, तो इसी तरीके से सहारनपुर लकड़ी के काम के मामले में, क्यों भैया है ऐसा? नहीं भाई, हाँ तो नहीं भाई, कह रहे हैं कि बिल्कुल वर्ल्ड फेमस है। हाँ डिसाइड कर रहा हूँ क्योंकि मेरा तो दिमाग घूम चुका है, अभी मैं देखता हूँ कि क्या डिज़ाइन निकालूँ क्या ना निकालूँ। सो गाइस जैसे कि मेरे रूम में बेड है ना गोल वाला, उस मतलब इस टाइप का तो नहीं है, ये कार्विंग वाला बेड हो गया, और इसकी तो खैर बात ही अलग है, ये इतना बढ़िया लग रहा है ना, और इतना ह्यूज बेड है ना, काफ़ी बड़ा बेड है, तो कसम से लाजवाब है। अब रेट की बात रही तो रेट, आप आओ तो नईम भाई से बात करो, उसी हिसाब से रेट होंगे, क्यों नईम भाई? जी भैया, डिज़ाइन के हिसाब से रेट होंगे। मैं दूसरी शॉप पर आया हूँ और वहाँ पर फिलहाल रेट वगैरह का पता कर रहा हूँ मैं। भाई खड़े हुए हैं, भाई का नाम मोहम्मद मोहसिन, मोहम्मद मोहसिन भाई हैं, तो इनके पास भी एक से एक आइटम है, खैर सोफे वगैरह हर चीज़ का आइटम है। तो अभी इनसे रेट वगैरह पता कर रहा हूँ, रेट की बहस हो रही है मोहसिन भाई से मेरे क्योंकि रेट बता रहे हैं बहुत हाई मुझे, अब देखते हैं जैसा भी रेट का हो जाएगा। और भाई ये अपना सेट वगैरह दिखा दी, नहीं कहने लगे जी सेट यहाँ से, ये तो तुम्हारी पूरी इंडिया में पॉपुलर होनी थी तुम्हारी वीडियो, क्योंकि मैं ब्लॉगर हूँ ना, बनाता रहूँ ना हर जगह की। तो इनके पास एक से एक आइटम है, मतलब अगर आप लोग यहाँ पे आओ तो एक से एक चीज़ें मिल जाएंगी। ये वाला गोल बेड जैसे रखा हूँ मोहसिन भाई, ये कितने का? यार तुम ज़्यादा ही बता रहे, तुम पहले ही ज़्यादा बता रहे भाई, 2,40,000 रुपये बता रहे मोहसिन भाई, 2,40,000 भी तो बहुत बैठते हैं गाइस। चलो खैर रेट का भी हो जाएगा। सो गाइस काफ़ी दुकानें तो ऐसी है जहाँ पर रेट इतना ज़्यादा हाई है ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, और मतलब जो मैंने सोचा था उससे तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि मैं कुछ ऐसा होगा, लेकिन कोई नहीं, एक दो मार्केट में एक दो शॉप पे और जाते हैं और पता करते हैं, जो अपने रेट में होगा वो लेंगे, अगर अपने रेट में नहीं मिलेगा तो कुछ और करेंगे अपना जैसा भी है। एक शॉप पर और आया हूँ डिज़ाइन वगैरह देखने के लिए कि देखते हैं क्या डिज़ाइन है। भाईजान बता रहे कि एक से एक डिज़ाइन अंदर भी है। भाईजान का नाम कादिर, कादिर भाई, कादिर भाई, ये देखो एक से एक डिज़ाइन, ये गोल बेड, यहाँ पे भी गोल बेड अवेलेबल है। साजिद भाई ने बताया हमें इस गोल बेड की कीमत, तो अभी मैं आपको कीमत तो नहीं बताऊँगा गाइस, क्योंकि हर काम की कीमत एक अलग होती है, हर डिज़ाइन की कीमत एक अलग होती है, क्यों कादिर भाई? तो इसलिए, लेकिन वैरायटी वैरायटी साजिद भाई के पास भी बहुत है। अभी तक जितने भी शोरूम में गाइस मैं गया हूँ ना, तो मुझे सबसे सही रेट लगे साजिद भाई ने हमें एक बात कही है कि अभी हम जितनी भी मार्केट में घूम के आए हैं ना, सबसे ज्यादा कम रेट साजिद भाई गारंटी कह रहे हैं कि जमशेद हैंडीक्राफ्ट के नाम से इनका शोरूम है। और सच में बताऊँ आइटम एक से एक है इनके पास, बहुत बढ़िया बढ़िया वैरायटी है। और एक चीज और इनकी मुझे बढ़िया लगी, ये बोल रहे हैं कि भाई आप, ये लास्ट की शॉप होगी जिसपे सबसे कम रेट में आपको मिलेंगे, इसके बाद रेट घटेंगे नहीं, इसके बाद बढ़ेंगे ही, क्योंकि मैं अभी तक जब पहली दुकान पे गया तो उस पर रेट अलग था, फिर दूसरी पे अलग था, और इनकी काफ़ी ऐसे चलते चलते मैं इनकी दुकान पे आया तो रेट बहुत ही मुझे जेन्युइन लगे। तो गाइस देखो अभी ये फिलहाल इस पर पॉलिश हो रही है, भाईजान क्या हो रहा? पॉलिश हो रही है। तो देखो इस पर फिलहाल पॉलिश हो रही है, पॉलिश होने के बाद जब ये पूरा तैयार हो जाएगा ना तो उसकी लुक ही अलग आएगी। और ऐसे ही ये भाई यहाँ पे इसे पॉलिश कर रहे हैं। ये क्या चीज़ है इसमें? ये स्टील है, ये क्या है? स्टील है। तो ये भी पॉलिश कर रहे हैं भाई यहाँ पर, कितनी लाजवाब टेबल है ये भी अल्टीमेट। और ये इस पर थोड़ा रेगमाल वगैरह, रेगमाल ही तो लगा रहे भाई जी, इसकी फिनिशिंग के लिए है। थोड़ा बहुत और घूमता हूँ,
क्योंकि थोड़ी बहुत ही रह गई, अब ज़्यादा भी नहीं घूम पाऊँगा मैं, पूरा इतना नहीं, पूरा कवर तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जितना भी कवर होगा मेरे से उतना कवर कर लेता हूँ। गाइस अभी फिलहाल मैं जब जा रहा था तो मुझे रखे हुए दिखा ये वाला सोफा और ये मुझे बहुत बढ़िया लगा, तो मैं पता कर लेता हूँ कि भाई से इसका क्या रेट चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि इसका डिज़ाइन इतना लाजवाब है ना, और सच में काम तो यहाँ पे एक से एक लाजवाब होता ही है। मैं आप लोगों को बता रहा था ना कि मार्केट में घूमने से ही पता लगता है रेट का, अभी उधर जब हम गए थे तो रेट क्या था और यहाँ पर आए इनके पास तो रेट कहाँ पे आ गया। तो गाइस ये मतलब वही है, तुम जितना ढूंढोगे उतना ज़्यादा मिलेगा आपको, तो यहाँ पे रेट मुझे सबसे ज़्यादा जेन्युइन लगे, इन भाई ने बताया मुझे। अभी मैं रेट नहीं खोलूँगा, क्योंकि रेट इसलिए नहीं खोलूँगा, जिस हिसाब का माल होता है जिस हिसाब से उसमें काम होता है रेट उसी के हिसाब से होता है, क्यों भाई ऐसा ही है ना, तो इसलिए रेट बताना बिल्कुल भी सही नहीं है। आप लोग आओ, आने के बाद काम देखो, काम देखने के बाद आप जब चीज़ पसंद करोगे तब आपको रेट का पता लगेगा। तो फिलहाल तो मैं देख रहा हूँ और तुमसे बात कर लेता हूँ। भाई का कहना है कि भाई आप जैसा डिज़ाइन दोगे ना वैसा ही बिल्कुल कंप्लीट मिलेगा, और एक इनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, ये बोल रहे हैं कि भाई हमारा काम बोलता है, क्यों भाई काम बोलता है, काम बोलता है, काम बोलता है, क्यों भाई। सो गाइस आप लोगों को लगता है व्लॉगिंग करना आसान काम, सच बताऊँ व्लॉगिंग करना कोई आसान काम नहीं होता। अब देखो धूप हो रही है, टैनिंग हो रही है, बॉडी पूरी की पूरी टैन हो गई मेरी, लेकिन घूम रहा हूँ सिर्फ मैं आप लोगों के लिए, वीडियोस बना रहा हूँ। हाँ ये बात है कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम था, मेरा भी काम हो जाएगा, लेकिन व्लॉगिंग मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ और यहाँ की वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ताकि जो मैं खरीदूँ वो आप लोगों को भी दिखा सकूँ कैसा है कैसा नहीं है। तो थक चुका मैं, चलते हैं और आगे और देखते हैं कुछ और अच्छा सा कुछ दिख जाए। अब जैसे कि एक शॉप ये है, इस शॉप पे मुझे ये मिरर स्टैंड रखे हुए दिखे। सो गाइस अभी फिलहाल भाईजान के पास मैंने देखा एक से एक आइटम, एक से एक मतलब इनके पास भी रेट बहुत ही जेन्युइन लगे मुझे। भाईजान आपका नाम? मोहम्मद इंतजार। मोहम्मद इंतजार भाई के पास सीरियसली बताऊँ इनका भी काम लाजवाब है, और रेट मुझे इनके सबसे जेन्युइन लगे, सॉरी भाई सबसे जेन्युइन लगे इनके रेट मुझे। भाईजान ने अभी ये कहा है कि आप डिज़ाइन लेके आओ, डिज़ाइन लेके हम उसके हिसाब से आप लोगों को बता देंगे कि वो क्या रेट पड़ेगा। तो गाइस मैं कम से कम आधी मार्केट कवर कर चुका हूँ, मेरे दिमाग में एक ही चीज़ दिख ली है सब घूमने के बाद कि तुम जैसा डिज़ाइन लेके आओगे ना उस हिसाब से तुम्हें ये बना के देंगे और उसी हिसाब से रेट होंगे। ये नहीं है कि हर चीज़ का रेट एक सेम है, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी चीज़ ये बना के देंगे उसका रेट अलग होगा। तुम अब वो तुम्हारे अपने ऊपर बात है कि तुम उस पर कितना काम, अब जैसे ये कार्विंग हो रखी है, अब जैसे इस पे फ्रेम पे कार्विंग हो रखी है तो इसका रेट अलग होगा, और दूसरी जगह अगर कोई फ्रेम बना हुआ होगा उसका रेट अलग, ऐसा ही है ना भाई जी। तो हर चीज़ के रेट अलग है, उसी हिसाब से रेट है, मतलब जिस हिसाब से काम है। तो गाइस अभी फ़िलहाल मैं बहुत थक गया और मेरी होगी हालत ख़राब, अगर स्कूटी ना होती ना हमारे पास तो देखो कितनी पतली पतली गलियाँ हैं, यहाँ पर आना हो जाता बहुत ज़्यादा मुश्किल, और क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी दूर पर भी ट्रैफिक जाम हो रखा है यहाँ पर, तो इसलिए स्कूटी ली मैंने। यार फ़ायदा हो जाएगा, और भाई गोलू की स्कूटी के कमाल है, स्कूटी भी तो गोलू जैसी है, मोटी ताजी बढ़िया। तो चाबी दे देता हूँ हिमांशु भाई को, क्योंकि मुझे अब निकलना होगा, शाम हो चुकी है तो निकलना बहुत ज़रूरी है। तो ये खड़े अपने हिमांशु भाई, हेलो हिमांशु भाई, क्या हाल चाल, कैसे हो आप, कैसे हो? शुक्र है मालिक का, बढ़िया सब बढ़िया। तो मज़ा आ गया यार, ये बताओ स्कूटी कौन सी है? ये बर्गमैन। बर्गमैन बहुत मज़ा आ गया था चला के, लेकिन बस थोड़ा मुझे पिकअप में थोड़ी कमी लगी। अच्छा, बाकी कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है, और सबसे बढ़िया चीज़ इसकी है सस्पेंशन, सस्पेंशन बहुत लाजवाब है। हिमांशु भाई अभी मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ थोड़ी, ऐसा ना करो ऊपर आओ और कुछ ऐसा लेंगे तो हाल। हिमांशु भाई कह रहे हैं कि ऊपर चलो, तो गाइस मैं अभी मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। फिलहाल मैं निकल चुका हूँ, लेकिन मुझे मिल गए अतीक भाई इस बीच में। अतीक भाई कौन है? अतीक भाई हॉर पिक्चर के लॉकी जो मिल चुके हैं अभी, और इनसे मिलने के लिए तो बड़े बड़े लोग खैर तरसते हैं। तो अतीक भाई मिल गए फिलहाल, अतीक भाई हैं रुड़की से, इनके बारे में कभी आपको इत्मीनान से बताऊंगा, अभी फिलहाल मैं जरा इनसे बात कर लेता हूँ थोड़ी बहुत। क्यों अतीक भाई? ओके। सो फाइनली गाइस मैं अपने शहर में आ चुका हूँ, और यहाँ पर आया तो यहाँ पर देखा मैंने अभी भी यहाँ पर हल्की हल्की बारिश हो रखी है। तो गाइस इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूँ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।